अब हम आपको कॉलिंग ऑन सिग्नल के बारे में बताते हैं। मान के चलिए कि एक ट्रेन को हमने जो है अपने इस लाइन पर रिसीव किया और यहाँ पर ट्रेन आकर के हमारी खड़ी हो चुकी है, या मान लीजिए हमने यहाँ पर मेन लाइन पे या लूप लाइन पर हमारी कोई एक ट्रेन पहले से ही आकर के खड़ी हो चुकी है और उस ट्रेन का इंजन फेल हो चुका है, हमारे पास कोई भी इंजन नहीं है, लोको हमें किसी और दूसरे स्टेशन से आ रहा है इस ट्रेन को आगे ले जाने के लिए, तो उस ट्रेन के लिए मान लीजिए ये जो हमारा लोको है यहाँ पर ये आ रहा है और इसे हमें इसके साथ में यहाँ पर जो खड़ी हुई ट्रेन है इसके साथ में हमें इसे अटैच करना है इस लोको को ला करके। तो ये जो हमारा सिग्नल है होम सिग्नल, इस होम सिग्नल को यहाँ पर अगर हम इस रूट के लिए सेट करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही गाड़ी खड़ी हुई है, खड़ी हुई गाड़ी पर कोई भी मेन सिग्नल फिर से आगे आने के लिए परमिशन नहीं दे सकता है। जैसा हम दिखाते हैं कि ये मेन सिग्नल जो कि होम सिग्नल है हम इस रूट के लिए लेते हैं, यहाँ पर पहले से ही गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये हमने बटन प्रेस किए सिग्नल बटन प्लस रूट बटन और आपने देखा कि कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही गाड़ी खड़ी हुई है। नेक्स्ट ट्रेन को ये यहाँ पर आने के लिए अलाउ नहीं कर सकता है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कोई गाड़ी पहले से ही यहाँ पर है और उसी प्लेटफॉर्म पे आप दूसरी ट्रेन भेज रहे हैं तो डेफिनेटली ये पीछे से आने वाली गाड़ी इस यहाँ पर खड़ी हुई ट्रेन को जा कर के टक्कर मार देगी और एक्सीडेंट को रोकने के लिए इंटरलॉकिंग में ये चीज़ें रहती हैं कि कोई भी ऑक्यूपाइड लाइन पर हम सिग्नल नेक्स्ट ट्रेन को भेजने के लिए नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, उसका लोको ख़राब हो गया, इंजन ख़राब हो गया और दूसरे स्टेशन से हमारे पास लोको आएगा, उसे अटैच करेंगे तब जा कर के ट्रेन हमारी आगे के लिए बढ़ेगी। यहाँ पर ये जो शंटिंग शंट सिग्नल जो है इस तरह की मूवमेंट को अलाउ कर सकता है, जैसे यहाँ पर ये जो शंट 55 है, शंट 55 को अगर हम यहाँ पर यदि कोई इंजन खड़ा हुआ होता और उसे हम इस रास्ते पर अलाउ करके यहाँ पर खड़ी हुई ट्रेन में अटैच करने के लिए दें तो ये आ जाएगा। जैसे हम ये शंट सिग्नल दिया, पहले रूट सेट हुआ, रूट सेट होने के बाद में रूट लॉक हुआ और इंजन बड़े ही धीमी स्पीड में कम स्पीड में आकर के और यहाँ पर इस जिस लाइन पर पहले से ट्रेन खड़ी हो उसी लाइन पर आकर के इसके साथ में हम कपल कर सकते हैं ताकि वो फिर से इस तरफ बढ़ सके। लेकिन शंट सिग्नल विद इन स्टेशन सेक्शन स्टेशन की लिमिट में होते हैं, स्टेशन से बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है उसे अंदर लाने के लिए शंट सिग्नल परमिट नहीं कर सकते क्योंकि उस पर्पस के लिए शंट सिग्नल होते ही नहीं है। तो समस्या ये है कि हम इस ट्रेन को इस इंजन को इस ट्रेन में किस प्रकार से जोड़ें। एक तो तरीका ये होता है कि स्टेशन मास्टर अथॉरिटी लेटर बना करके अपने पॉइंट्समैन को स्टेशन से यहाँ पर लोको तक भेजे। लोको तक का जो डिस्टेंस है ये काफ़ी डिस्टेंस होता है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20 मिनट का टाइम पॉइंट्समैन को लग जाता है, उसके बाद में फिर अथॉरिटी लेटर ड्राइवर को मिलेगा, ड्राइवर फिर धीरे धीरे काफ़ी स्लो स्पीड में इस रास्ते से आगे बढ़ता हुआ आएगा, तब जा करके इस ट्रेन के साथ कपल हो करके इस ट्रेन को आगे के लिए लेकर के जाएगा। इसमें एक सिचुएशन और भी बनती है कि जैसे मान लीजिए ये सिग्नल फेल हो जाए, होम सिग्नल फेल हो जाए, या इस तरफ जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये होम सिग्नल फेल हो जाए, फेल होने के बाद में जब ट्रेन हम आगे लेंगे तो वो आगे कैसे लेंगे। दोनों ही स्थितियों में स्टेशन मास्टर को अथॉरिटी लेटर बना करके जहाँ पर जो ट्रेन खड़ी हुई होती है वहाँ तक भेजना पड़ता है अपना आदमी, वो जाता है, 15-20 मिनट गाड़ियाँ डिले होती हैं, इस डिले को रोकने के लिए कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल खड़ी हुई
ट्रेन पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक सर्किट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, डाउन है, उस केस में हम सिग्नल दे सकते हैं। जैसे हमने कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए पहले सिग्नल बटन प्रेस किया, फिर COGGN बटन प्रेस किया, उसके बाद में कंसर्न रूट बटन प्रेस कर दिया। रूट सेट हुआ, अभी भी कॉलिंग ऑन सिग्नल नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है गलत हो गया। रुक तो।